अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम कहां के सच्चे थे कि आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का लेटेस्ट प्रोमो आज का है, जहां आप देखने वाले हैं कि एक तरफ तो असद के सामने सारी हकीकत खुलती जा रही है कि मशल क्या थी और महरीन क्या है। क्योंकि जब वो मशल के घर महरीन के कमरे में जाने के लिए आता है तो वहां कमरे पर लॉक लगा होता है। शबो कहती है कि इस कमरे की चाबी मशल बीबी के रूम में मौजूद है। इस बात पर असद काफी हैरान होते हुए महरीन कहता है कि महरीन के कमरे की चाबी मशल के पास क्यों होती थी। उसके बाद असद जब कमरे के अंदर दाखिल होता है और वहाँ सब कुछ देख के हैरान रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहां पर मौजूद तमाम पेंटिंग्स और सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी सब महरीन की होती हैं, जिन्हें मशल अपना कहा करती थी। इसके बाद असद वो डायरी भी देख लेता है, जो सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित होती है, जिसमें असद अपनी और महरीन की बचपन की तस्वीर के साथ साथ वो सारी बातें पढ़ता है, जिससे उसे ये एहसास हो जाता है कि महरीन तो उससे अब से नहीं बल्कि बचपन से चाहती आई है। और मशल जो कुछ भी उसे महरीन के बारे में कहती आई वो सब झूठ था, और यहाँ तक कि वो शायरी भी महरीन की लिखी हुई सुनाया करती थी। इसके बाद ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब महरीन को अपने ख्यालात में बार बार मशल नजर आ रही होती है, क्योंकि महरीन तो असद के कहने पर उस माफीनामे पर दस्तखत करने के बाद काफी डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसे में मशल उसे आकर कहती है कितनी बेशर्म हो तुम, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम नहीं मरती। और तभी महरीन इस डिप्रेशन में आकर खुदकुशी की कोशिश कर लेती है। इधर असद सारी हकीकत खुलने के बाद जल्दी जल्दी महरीन के पास वापस आता है, मगर जब वो घर आता है महरीन बेसुध हालत पड़ी हुई होती है। आज महरीन जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। डॉक्टर्स की लाख कोशिश के बाद वो महरीन को बचा लेते हैं। मानो आज महरीन को एक नई जिंदगी मिली हो, मगर महरीन अभी भी सदमे में है। वो जिंदगी की ये जंग लड़ते लड़ते थक चुकी है। और इधर डॉक्टर भी असद से कहती है क्या आपका रवैया इनके साथ ऐसा रहा है जिससे उन्हें तकलीफ पहुंची हो। तो फ्रेंड्स, क्या अब असद को मिलने वाले तमाम शवाहिद और शबों की बातों से अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि क्या कुछ करता आया वो महरीन के साथ? क्या महरीन इतने सदमे और तकलीफें उठाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी? मजीद अब आगे क्या कुछ होने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।